दोस्तों अगर आपका बजट 25,000 रुपये एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और अच्छे अच्छे लैपटॉप शामिल किए हैं। तो बजट 25,000 रुपये है, मैं आपको एक नहीं पांच बता रहा हूँ, कोई ना कोई डेफिनेटली आपको पसंद आ जाएगा। वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बासबीटेक चैनल पे। पहला जो लैपटॉप आता है ये अविता कंपनी की तरफ से आता है, इसका नाम है अविता एसेंशियल। इसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 4 GB की रैम देखने को मिलेगी, 128 GB की SSD स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। और मैं दोस्तों हमेशा कहता भी हूँ कि आपको कोई लैपटॉप लेना चाहिए तो SSD स्टोरेज वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करते हैं वो। इसके अलावा इसमें आपको इंटेल का सेलरॉन N4020 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, HDMI पोर्ट आपको देखने को मिलता है, USB पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है, 6-7 घंटे इसका बैटरी बैकअप है। प्राइस मैं आपको बताऊं 23,000 रुपये प्राइस है इसकी। और एक चीज़ जो इसमें यूनिक है वो है इसका कैमरा, इसमें आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड कैमरा दिया गया है। वैसे जनरली क्या होता है कि डिस्प्ले के ऊपर टॉप पर कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसमें आपको इंटीग्रेटेड, मतलब जहाँ पे आपका कीबोर्ड होता है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर मिडिल में आपको कैमरा देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हैं हिडन कैमरा भी आप इसको कह सकते हैं। ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला लैपटॉप है सेकंड नंबर पर, ये भी अविता कंपनी की तरफ से है और अविता एसेंशियल रिफ्रेश इसका नाम है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अविता की मुझे डिजाइन बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। आप इसके टच पैड के पास आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। अब इस लैपटॉप में और इस लैपटॉप में अंतर क्या है, उसमें आपको 128 GB की SSD स्टोरेज देखने को मिल रही थी, यहाँ पे आपको 256 GB की SSD स्टोरेज आपको देखने को मिल रही है। यह सबसे बड़ा एडवांटेज है इस लैपटॉप का, क्योंकि 25,000 रुपये में आपको इस टाइप की SSD देखने को मिल रही है, मतलब आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। उसमें आपको इंटीग्रेटेड कैमरा दिया गया है, इसमें आपको डिस्प्ले पर भी कैमरा देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों कुछ भी अलग नहीं है, इसमें भी 4 GB की रैम है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कैमरा इसमें भी आपको देखने को मिलता है, विंडो 10 इसमें भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल सब कुछ वही सेम आपको देखने को मिलता है, केवल एक अंतर है वो मैंने आपको बता दिया, वो है दोस्तों SSD मतलब स्टोरेज का अंतर है। इसकी जो प्राइस है वो 26,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कार्ड वार्ड लगाएंगे तो 25,000 रुपये के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो अगला लैपटॉप है थर्ड नंबर पर HP का है, HP क्रोमबुक, और ये कुछ अलग आप कह सकते हैं। इसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन ये क्रोमबुक है। क्रोमबुक होता क्या है दोस्तों, सेम मोबाइल वाले एप्लीकेशन जो आप मोबाइल में यूज करते हैं वो आप अपने इस लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, डिट्टो दोस्तों आप कह सकते हैं। और इसके अलावा टच के साथ चलता है, इसी तरीके से टच के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 4 GB की रैम देखने को मिलेगी, लेकिन 64 GB का इसमें आपको EMMC स्टोरेज देखने को मिलता है। EMMC स्टोरेज आपका वो होता है जो प्री बिल्ड होता है, इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ती हो तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इसमें प्री बिल्ड मिलता है। और आप ऐसा कह सकते हैं HDD से थोड़ा सा फास्ट काम करता है ये। ओवरऑल आप कह सकते हैं ये भी कमाल का लैपटॉप है। इसकी जो प्राइस है 25,000 रुपये इसकी प्राइस है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मोबाइल वाले ऑप्शन है तो इसमें भी आपको गूगल असिस्टेंस देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे जितने भी मैं आपको लैपटॉप बता रहा हूँ सभी लैपटॉप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी जाकर के इनको चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि लेनेवो का कोई लैपटॉप ना आए, चाहे वो बात हो रही हो 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, किसी की भी बात हो रही हो, लेकिन लेनेवो का लैपटॉप जरूर से आएगा। जो अगला लैपटॉप है फोर्थ नंबर पर लेनेवो का है, लेनेवो आइडियापैड 3, काफी ज्यादा कूल है। इसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, HD डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें दो चीजें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, वो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको विंडो 11 देखने को मिलती है, इसके अलावा MS Office 2021 देखने को मिलती है, विच इज वेरी ग्रेट थिंग दोस्तों। लेटेस्ट चीजें आपको इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा 4 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है, HDMI का पोर्ट है, USB पोर्ट आपको देखने को मिलता है, डॉल्बी का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं, 180 डिग्री पर ये रोटेट हो जाता है, और दिसंबर 2021 में ये लॉन्च हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा लेटेस्ट है।
प्राइस मैं आपको बताऊं लेटेस्ट है तो इसकी प्राइस 226,000 रुपए है। वैसे 26,000 रुपए में काफी ज्यादा अच्छा लैपटॉप है, डेफिनेटली आप इसकी साइड जा सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट लैपटॉप आता है मेरी लिस्ट में वो भी लिनेवो कंपनी की तरफ से आता है, फिफ्थ नंबर का लिनेवो V110। इसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 4GB की रैम है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टोरेज आपको इस लैपटॉप में मिलती है 500GB की, लेकिन HDD वाली देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि SSD की अपेक्षा थोड़ा सा स्लो काम करेगा, लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी ये है कि आपको स्पीड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, स्टोरेज ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली ये लैपटॉप उन्हीं लोगों के लिए है। इसके अलावा इसका जो प्रोसेसर वो AMD A6 9210 है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कंप्लीटली अच्छा लैपटॉप है ये भी। इसकी प्राइस 25,000 रुपये है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, 25,000 रुपए की वीडियो तो 25,000 रुपए ही होगी ना। वैसे दोस्तों ये थे वो 5 लैपटॉप जो कि 25,000 रुपए की प्राइस में आते हैं, दी बेस्ट लैपटॉप है। अगर मैं आपको मेरा कोई अच्छा सा लैपटॉप बताऊं, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, फिर भी मैं आपको बताऊं तो मैं 4th नंबर का लेनेवो आइडियापैड 3 को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि वो लेटेस्ट है और उसमें बहुत सारी चीजें लेटेस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं नंबर 1 की प्रायोरिटी पे मेरा 4th नंबर का लैपटॉप है। बाकी दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, अच्छे तो सारे ही थे, वो आपने डिसाइड करना है कि आप किस कंपनी की साइड जाना चाहते हैं और कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। और जैसा मैंने आपको बताया सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलो दोस्तों इस वीडियो में सुना ही था, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर और भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो। और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, लेकिन कब, जब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आई होप आप इतने समझ आ रहे हैं, क्वालिटी वीडियो देखना चाहते हैं, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लिया होगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।